इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड को किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच। सो इन क्वेश्चन नंबर टू वी हैव हेयर थ्री पार्ट्स में हमें फोर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, इट मींस टू से हमें लीनियर इक्वेशन दे दी। इस लीनियर इक्वेशन के हमें फोर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अर्लियर पहली वीडियो में, इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये करके आए हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इजेंट इट। तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो उन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से हमें फोर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले इसके करने का तरीका मैं ये बता देता हूँ आपको। y को सिंगल ले लो यहाँ पर। वो कैसे? देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो y के अदर देन होगा उसको अदर साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी RHS में उसको हम भेज देंगे। तो हमने क्या किया, 2x को हम अदर साइड लिया है, RHS में लिया है। तो y cos 2 वी विल गेट हेयर 7 माइनस 2x। अब ये 2x इधर जाकर माइनस का क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हम अच्छे से बचपने में हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि जब भी कोई नंबर अपने साइड को चेंज करता है, यानी LHS से RHS में जाता है या RHS से LHS में जाता, तो अपना साइन खो देता, वो साइन चेंज कर देता। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हुआ, निगेटिव हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो अब तक। अब देयर आफ्टर हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। कोई सी भी फोर वैल्यू रख दो, यही नहीं कि यही रखनी है तुम्हें, कोई सी भी फोर वैल्यू पुट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3 रख दो या और कोई वैल्यू रख दो अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज़ीरो पे लिया, यानी एक्स इक्वल्स टू 0 पे जब हमने लिया यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू व्हाट विल वी गेट, 7 माइनस 2 मल्टीपल 0, यानी हमें जो मिल गई 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 7 मिल गया। तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिला, फर्स्ट पॉइंट मिला मुझे 0 से 7 मिला, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, तो वाई की वैल्यू मुझे 7 गेट हो गई। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए, सेकंड वैल्यू पर चलते हैं। सेकंड वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, सेकंड वैल्यू में हम पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो वैल्यू ले रहे हैं 1, 2, 3 ले रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, एक्स के प्लेस पे यहाँ पर देखिए, एक्स के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया। जब 1 पुट किया तो हमें मिला वाई माइनस 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 5 वैल्यू हमें गेट हो गई। जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल रही, 5 मिल रही। तो हमारे जो पॉइंट आ गए 1, 7 आ गए सॉल्यूशन से। दो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम एक्स इक्वल्स टू क्या लेकर चलेंगे, एक्स इक्वल्स टू हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें हम अब एक्स इक्वल्स टू हम लेकर चले यहाँ पर 2 लेकर चले, तो हमने एक्स की वैल्यू 2 ले ली। ठीक, जब एक्स की वैल्यू 2 ले ली और हमने इसमें पुट करना हमको, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हमारा है वाई कोस टू 7 माइनस 2 ब्रेकेट 2, 7 माइनस 4 3 मिल गया हमें। तो हमारे जो पॉइंट्स आ गए, सॉल्यूशन आ गए, वी कैन से है यार हमें मिल गए 2, 3। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो अभी तक। अब उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 लेकर चलें। जब 3 लेकर चलें तो 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 यानी 1 गेट हो गया। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए यहाँ पर, 3 से 1 मिल गया। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, है कोई प्रॉब्लम इसमें, 3 से हमें 1 गेट हो गया। अब हम यहाँ पर हमारे जो फोर सॉल्यूशन हमें मिल चुके,
हम यहाँ पर लिख देंगे सो फॉर सॉल्यूशन आर। क्या हो गया फॉर सॉल्यूशन, देखिए पहला था हमारा 1,0,7, सेकंड था हमारा 1,7, थर्ड था हमारा 2,3 और लास्ट वन था हमारा बिहेवियर 3,1। सो वी हैव फोर सॉल्यूशन ओवर हेयर। अब ये आंसर शीट से मैच भी कर सकते हैं, नहीं भी मैच कर सकते, बिकॉज हम जो है फोर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो आंसर शीट से क्यों मैच नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। सो नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन, ये इस फॉर्म में दी है, यानी एक्स का जो कोफिशियंट है यहाँ पर पाई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर दो। जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या गेट होगा, देखिए ये गेट होगा वाई कोस टू 9 - π x। ठीक, फिर से हमें वही वर्क करना जो वर्क हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसके वही वर्क हम यहाँ पर करेंगे। x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे हम 0, 1, 2, 3 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुट x इक्वल्स टू 0, 1, 2 and 3। तो पहले हमने क्या पुट किया फर्स्ट में हम x के प्लेस पे 0 लेकर चल रहा है, चलो लिख दो यहाँ पर x इक्वल्स टू, जब 0 लेकर चले तो y इक्वल्स टू 9 - π (0). क्लियर, सो 9 - 0, पाई की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी, पाई की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स गेट होगा यहाँ पर, ये हमें गेट होगा जी 0 से हमें 9 मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है, 0 से 9 मिल गया। अब हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 1 लेकर चल रहे हैं, यानी जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 9 y = 9 - π (1). सो 9 - π, तो जो हमें वैल्यू गेट हो गई यहाँ पर सॉल्यूशन 1, 1, 9 - π, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। क्लियर इतना। अब चलिए थर्ड पर चलिए। थर्ड में हम क्या पुट करेंगे, हम x इक्वल्स टू 2 लेकर चलेंगे। जब हमने x के प्लेस पर 2 रख दिया यहाँ पर, तो y बराबर 9 - π (2), सो 9 - 2π, यहाँ पर लिख दो। चलो ये मुझे मिल गया जी 9 - 2π, तो मेरा जो सॉल्यूशन मुझे गेट हो गया 2 से मुझे 9 - 2π, ये गेट हो गया सॉल्यूशन। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, 9 - 2π मुझे सॉल्यूशन गेट हो गया। अब देखिए लास्ट है हमारा पॉइंट, अब x इक्वल्स टू वी कैन पुट हेयर 3। जब 3 पुट किया तो 9 - π (3), यानी हमें जो मिला 9 - 3π, चेक कर लो 9 - 3π हो गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया, देखिए 3 से हमें यहाँ पर 3 से हमें क्या मिला था, ये मिला था, तो 3, 9 - 3π, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन आ गया। इजेंट इट, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन आ गया। सो वी कैन राइट सो फॉर सॉल्यूशन आर, क्या क्या हो जाएंगे फोर सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। देखिए पहला हमने फर्स्टली 0 से हमें 9 मिला था, सेकेंडली 1 से हमें 9 - π मिला था, ठीक 2 से हमें क्या मिला था 9 - 2π,
और लास्ट हमें मिला था 3 माइनस 9 माइनस 3 पाई, ये फोर्थ सॉल्यूशन हमें गेट हो गए। ठीक है, फोर ही सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने थे, सो वी विल गेट हेयर फोर्थ सॉल्यूशन। नाउ लास्ट पार्ट पर चलते हैं हम। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, देखिए लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। देखिए थर्ड पार्ट वी हैव हेयर एक्स इक्वल्स टू 4y। तो पिछले दो क्वेश्चन में, लास्ट टू क्वेश्चन में हमने क्या किया था, y की को सिंगल ले लिया था और x की टर्म में y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। देयर आफ्टर हमने x की 4 वैल्यू पुट की थी। सिमिलरली अगर मैं 4 को इसके अपोन में ले आऊँ, सो x ओवर 4 इक्वल्स टू y, फिर से हमने सिंगल रख लिया, तो फाइनली y इक्वल्स टू मुझे क्या गेट हो गया, x ओवर 4 गेट हो गया। y की वैल्यू x की टर्म में हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके प्लेस पे पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। गुड क्वेश्चन, क्या हम यही वैल्यू क्यों रख रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था कि कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, 0 से लेके मैं 3 तक रख रहा हूँ। तुम 3 से लेके 3, 4, 5, 6 तक रख दो, 2 से रख दो, 1 से रख दो, ये तो तुम पे डिपेंड करेगा ना, कोई कौन सी वैल्यू रखनी है। हमें तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, कोई भी 4 सॉल्यूशन गेट हो सकते हैं हमें, तो कोई भी वैल्यू रख दो अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हें ईजी लगता हो। ये वैल्यू मत लो, दूसरी वैल्यू ले लो, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात थोड़ी है। तो पहले तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, तो y बराबर 0/4, 0 आ गई वैल्यू, सो y की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा जो आ गया 0,0 आ गया। पहला पॉइंट क्या आ गया, 0,0 आ गया। अब हम सेकंड वैल्यू लेकर चलेंगे। सेकंड वन वैल्यू क्या है हमारी, सेकंड वन वैल्यू क्या है, देखिए सेकंड वन वैल्यू हमारी है यहाँ पर, हमने क्या लिया, x इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 रख देंगे x के प्लेस पे, 1/4 आ गई, तो हमारे पॉइंट क्या आ गए, 1,1/4 आ गए। ठीक, अब x इक्वल्स टू हमने 2 पुट कर दिया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/4, 2×2=4, यानी 1/2 आ गई, तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, 2,1/2 आ गया। ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या पुट किया हमने, x के प्लेस पे क्या पुट किया, अब हमने x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया, x के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, जब 3 पुट किया तो y इक्वल्स टू आ गया 3/4, तो हमारे सॉल्यूशन आ गए 3,3/4, ये हमारे, तो पहली 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पर वी कैन राइट हेयर, सो 4 सॉल्यूशन आर, क्या हो जाएंगे 4 सॉल्यूशन, 0,0, 1,1/4, ठीक है, 2,1/2, एंड लास्ट वन वी हैव हेयर 3,3/4, ये हमारे 4 सॉल्यूशन हमें गेट हो गए। बताइए कोई प्रॉब्लम हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।